हेलो दोस्तों, आपने पांचोता धाम का तो नाम सुना ही होगा। और अगर पांचोता धाम का आपने नाम नहीं सुना तो सिकंदराबाद से थोड़ा सा आगे ये पांचोता धाम है। आज हम इसकी आपको यात्रा कराएंगे, बने रहिए साथ हमारे। इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, दो मठ पड़ते हैं। इसमें से एक दादी मुत्री का बताया जाता है और ये लाला जय सिंह जी के मंदिर की स्थापना अपने नए रूप में और बाबा जी के स्थान का ये मनोहर दृश्य है। और दोस्तों, भक्तों की पूजा होने के बाद में यहाँ के जो भक्त जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर की साफ सफाई करते हुए, और ये साफ सफाई रोज ही ऐसी होती है ये बता बता रहे हैं यहाँ पर बताने वाले। काफी मनोहर दृश्य है ये, देखिए बाबा जी की साफ सफाई।
यहाँ होते हुए। दोस्तों चलो आपको अब मंदिर के अंदर के दर्शन में आपको कराता हूँ। ये देखिए बाबा जी का स्थान, बाबा जी की ज्योत, जो अब पहले से काफी अच्छा बन चुका है। ये पहले इसकी जगह पुराना मंदिर काफी छोटा था और अभी काफी अच्छी लंबाई चौड़ाई में बनाया है भक्तों के देखते हुए, क्योंकि दिवाली होली पर यहाँ भक्तों की बहुत अधिक संख्या होती है। ये देखिए छोटे छोटे स्थान पहले से काफी बदल दिए गए हैं और मंदिर अपने नए रूप में धीरे धीरे आ रहा है। ये देखिए ये बाबा जी का कुआं जो हम आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ पहले छोटे छोटे स्थान बने हुए थे जो अब काफी ऊंचाई में भी था। ये आप देख सकते हैं कि मकान ये काफी नीचे से हैं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं बाबा जी के कुएं पर। कभी कुआं और मंदिर जो पुराना था वो बराबर बराबर सेम थे, लेकिन अब कुआं थोड़ा नीचे पड़ गया और बाबा जी का मंदिर थोड़ा ऊंचा है। ये देखिए बाबा जी का कुआं, लोग भक्त जो यहाँ पर आते हैं इस कुएं से जल निकाल कर घर भी लेकर जाते हैं, पीते भी हैं और अपने इष्ट बाबा जी को भी जल चढ़ाते हैं। ये देखिए बाल्टी बनी बंधी हुई है यहाँ चैनों से, जिससे पानी ये निकाला जाता है। और बाबा जी का इस जल पीने में तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठंडा शीतल। सेम गंगा गंगा जल का सा ही लगता है। और ये देखिए बाबा जी के मंदिर के मनोहर दर्शन, कुएं के यहाँ से खड़े होकर काफी अच्छी मन को शांति देते हुए। जय हो बाबा जी की। दोस्तों हमने आपको लाला जय सिंह जी के दरबार के दर्शन कराए, पांचवता दरबार के दर्शन कराए और आगे संत देवीदास जी के दर्शन, बावले बाबा जी के दर्शन आपको कराएंगे। बने रहिए साथ हमारे। जय हो लाला जय सिंह जी की। और दोस्तों ये देखिए ये भोलेनाथ जी का मंदिर जो लाला जय सिंह जी के मंदिर के काफी पास ही है और ये कुछ साल पहले ही बना है। पहले काफी छोटा सा था और अब काफी विशाल उसमें बनाया है। ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर काफी अति सुंदर, ये देखिए। जय हो बाबा भोलेनाथ जी की। भक्तजन यहाँ भी आकर मत्था जरूर टेकते हैं। ये देखिए काफी ऊंची ऊंचाई पर बनाया है। और ये देखिए भक्तजन पूजा के बाद यहाँ भी साफ सफाई करते हुए, देखिए पानी से धोते हुए सीढ़ियां साफ करते हुए।
और दोस्तों ये देखिए, गुलर का पेड़ बाबा जी के मंदिर के पास, काफ़ी लाल लाल गुलर आ रहे हैं इस पर। और यहाँ से अब हम प्रस्थान करते हुए संत देवीदास जी के मंदिर की ओर जा रहे हैं। और दोस्तों कहते हैं कि पहला प्रसाद जो भक्तजन आते हैं वो यहीं लाला जय सिंह के यहाँ ही चढ़ाते हैं, उसके बाद संत देवीदास बावले बाबा पर प्रसाद चढ़ाते हैं। और दोस्तों ये स्थान कृष्ण का ही माना जाता है, ये कृष्ण के अवतार ही माने जाते हैं, पंचोत्तर धाम। दोस्तों ये भी भव्य संत देवीदास जी का मंदिर, ये देखिए झलक बाबा जी के मंदिर की, ये देखिए जिस वक्त मेला चलता है होली के आसपास, होली पे, उस वक्त यहाँ पैर रखने की जगह पे नहीं होती, जय प्रांगण भी कम पड़ जाता है। और चलिए अब आपको मैं मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए बाबा जी की सीढ़ियाँ, और ये भक्त साफ सफाई करते हुए रंग बिरंगे रंगों से सज्जा की हुई बाबा जी के मंदिर की, ये देखिए अद्भुत एकदम दृश्य। ये बाबा जी की सामने स्थान, ये बाबा जी के मंदिर भगत जन आते ही रहते हैं। और ये संत देवीदास जी के मंदिर की झलक बाहर से, और ये पुराना कुआं जो अब बंद हो चुका है, जहाँ पेड़ खड़ा है ये। और दोस्तों अब चलिए आपको संत देवीदास जी का जो पहला मंदिर है उसके दर्शन कराते हैं, छोटी छोटी गलियों से जाते हुए। और ये बच्चा भी हमारे साथ ही हो लिया, ये देखो आ चुके हम बाबा संत देवीदास जी के मंदिर के पुराने मंदिर पे, ये देखिए जय हो संत बाबा देवीदास जी की। जिस वक्त यहाँ मेला चलता है उस वक्त का तो नज़ारा ही कुछ और होता है, भक्तों की बहुत भीड़, इतने बड़े प्रांगण में भी पैर रखने तक की जगह नहीं होती। ये देखिए संत देवीदास जी का मंदिर, पहला मंदिर यही बोला जाता है संत देवीदास जी का। ये मंदिर थोड़ा गांव के अंदर है, और वो मंदिर जो पहले दिखाया था आपको वो गांव के बाहर, बाबा जी के दर्शन करते हुए। और साफ सफाई यहाँ भी भक्तों द्वारा की जा रही है, ये देखिए संत देवीदास जी की अलख जोत आई, आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये बाबा जी की सैया,
देखिए काफी अंधेरा है यहाँ, अभी लाइट जलाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बाबा जी की सैया, ये बाबा जी की अलख जोत, और ये बाबा जी की मूरत। ये देखिए, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। ये देवीदास जी का मंदिर, यही बाबा जी की सैया लगी है, और ये बाहर का नजारा बाबा जी के मंदिर का। होली के आसपास भक्त दोस्तों बहुत अधिक भीड़ यहाँ होती है। देखिए अद्भुत दर्शन बाबा जी के मंदिर के, और हमने भी यहाँ मत्था टेका, अपने पूजा की, और अब बाबरे बाबा जी के यहाँ जाते हुए, और ये छोटे छोटे स्थान भक्तजनों ने अपने घरों में भी बनाए हुए हैं। ये देखिए, बावले बाबा जी की ओर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बावले थे, जैसे प्यार से किसी बच्चे को कोई नाम रख दिया जाता है, तो ऐसे ही बाबा जी का नाम भी बावले बाबा रखा हुआ है। और कहते हैं कि ये काफी गुस्से वाले हैं। और ये देखिए बाबा जी की यहाँ कितना पुराना पेड़ ये। और दोस्तों एक बात और, कि लाला जय सिंह जी, संत देवीदास जी, इनके यहाँ मंदिर में अंदर औरतें पूजा नहीं करती हैं। और दोस्तों ये देखिए बावले बाबा जी का मंदिर, जहाँ बावले बाबा जी विराजमान हैं। और दोस्तों ये देखिए बावले बाबा जी की मूरत काफी अच्छी। दोस्तों जो यहाँ भक्त आते रहते हैं वो इस वीडियो को देख कर काफी खुश होंगे, जो यह वीडियो मेरे देख रहे होंगे। बाकी सब पर बाबा जी कृपा हो, जो बाबा जी के भक्त हैं। और वीडियो आपने देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए अब घर की ओर प्रस्थान करेंगे हम। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। और दोस्तों ये यात्रा, ये दर्शन हमने और आपने बाबा जी की कृपा से ही किए हैं। और अगर आपको ये ठीक लगे, अच्छी लगी हो ये यात्रा, तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जय हो बाबा जी की, जय हो पांचोता धाम की, जय हो।